स्टूडेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका था, हमने क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कर लिए थे और आज हमारा न्यू चैप्टर शुरू हुआ है जिसका नाम है चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो चेंजेस अराउंड अस से आपको क्या समझ में आ रहा है मैं बताऊँ तो, चेंजेस अराउंड अस मीन्स हमारे अराउंड, मतलब हमारे आसपास, ठीक है, मतलब आसपास जो भी चीज़ें हैं हमारे बराबर में, हमारे सराउंडिंग्स अराउंड अस, ठीक है, मतलब हमारे आसपास में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, मतलब जैसे हमारी जितनी भी आसपास सराउंडिंग्स वगैरह हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या चेंज आएगा, तो ये सब इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चेंजेस अराउंड अस हमारा चैप्टर है, तो लेट्स स्टार्ट, तो हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। What a fun would it be? यहाँ से स्टार्टिंग शुरू कर दो, एकदम रीड करना, ठीक है। What a fun it would it be if you suddenly get some magical power to change these things around us? तो क्या बोल रहे हैं कि ये कितनी मज़ेदार चीज़ होगी ना कि अगर आपको एक मैजिकल पावर मिल जाए, सडनली एक मैजिकल पावर मिल जाए कि आप लोग अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है, कितनी मजे, मतलब बहुत ज़्यादा फन वाली बात होगी, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आजकल तो कई बच्चों की वो भी होती है, छोटे छोटे बच्चों की, कि हमको एक ऐसी पावर चाहिए कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, होता भी है कुछ जनों का, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होगी कि आप लोग चेंज करना चाहोगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर, ऑफकोर्स हमारे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, ऑफकोर्स ये झूठ है कि हमारे पास मैजिकल पावर नहीं आ सकती और हमारे पास है भी नहीं। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन हमारे पास मैजिकल पावर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोई कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं विदाउट मैजिक पावर, पर हैप्स मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व। ये क्या बोल रहा है कि आप लोग किसी चीज़ों का, कोई कुछ चीज़ों का लिस्ट बना सकते हो कि जिन्हें आप बिना मैजिक के चेंज कर सकते हो। तो हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, सही बताऊँ तो वॉल है, वॉल को चेंज कर सकते हैं हम लोग, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, अगर जो हमारे अंदर है, मतलब जो मैन मेड चीज़ें हैं जो हमारे बस में है कि हाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम नेचर की है, एकदम मतलब कुछ नेचुरल है, उसे तो हम नहीं कर सकते ना, ठीक है। ठीक है, बोल रहा है मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, और कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज होती हैं बिना कुछ हमारे इन्वॉल्वमेंट के, अपने आप ही चेंज हो जाती हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, खेतों में, फील्ड्स में जो क्रॉप्स होते हैं वो अपने आप ही चेंज होते हैं टाइम टू टाइम, की सब छोटे फिर उससे बड़े, ऊपर उससे बड़े, उससे बड़े, है ना, उन्हें हम तो नहीं चेंज करते, बस हम तो हाँ ये चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग उनको वाटर, सनलाइट, पेस्टिसाइड्स और ये सब फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो तो उनका काम है ना कि वो लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं जो इतने बड़े हो रहे हैं, है ना। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, जो पत्तियाँ हैं वो पेड़ पर से गिर जाती हैं, चेंज कलर एंड ड्राई आउट, और जब हरी पत्तियाँ गिरती हैं फिर जब सूख जाती हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा येलो सा हो जाता है, ये भी एक चेंज है, है ना। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे, मतलब जो फूल होते हैं वो ब्लूम्स, मतलब जो फ्लावर है वो उगते हैं, मतलब खिल जाते हैं, और अपना आप ही वो, मतलब उनकी जो पेटल्स है वो उड़ के झड़ जाती हैं या सूख जाता है। आर एनी चेंजेस, और भी कोई चेंजेस हो सकते हैं हैपनिंग इन योर बॉडी, योर नेल ग्रो, देखो ये अपनी बॉडी के बारे में चेंजेस में आ गया, नेल्स बोल रहा है, हमारे नेल्स बड़े होते हैं, नेल्स ग्रो होते हैं, यू ग्रो टोलर एंड वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो, के बोल रहा है कि आपकी जो हाइट है वो भी बड़ी होती है हाइट एज के अकॉर्डिंग, और एज के अकॉर्डिंग वेट भी हमारा बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम, कि आपने कभी रियलाइज़ किया है पहले कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस जो हैं हो रहे हैं टाइम टू टाइम। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर, क्या इनमें से कुछ चेंजेस, उनका चेंजेस जो हो रहे हैं क्या उनका ग्रुप बन सकता है। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, मतलब हम उन ग्रुप वेरियस चेंजेस का ग्रुप कैसे बना सकते हैं। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड समथिंग, सम सिमिलैरिटी बिटवीन दैम, ये हो सकता है हम ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन तभी अगर हमको किसी, मतलब चेंजेस में सिमिलैरिटी दिखे या डिफरेंस दिखे तो हम उनका ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 6.1 है,
कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स. ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड. मतलब ये क्या बोल रहा है कि इनमें भी बात करेंगे कि जो हमारे आसपास चेंजेस होते हैं क्या हम उनको दोबारा चेंज कर सकते हैं, क्या हम उनको रिवर्स कर सकते हैं कि ये चीज़ हो गई, चेंज हो गया है, लेकिन हम फिर को उसको रिवर्स करें और फिर से उस चेंजेस में लाएं. ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है, तो हम ये पढ़ेंगे. एक्टिविटी वन देखते हैं हम अपनी. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. एक बलून लो, उसे फुला दो, ठीक है, उसमें हवा भर दो. टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. और ये ध्यान रखना कि वो बलून फूटे ना. द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज. अब आप देखोगे जब बलून इतना ज़्यादा मतलब फुलाते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, ताकि उसका साइज भी चेंज हो गया है ना, और उसकी शेप भी चेंज हो गई. यहाँ देखो दे रखा है ना, यहाँ पे देखो बलून इतना सा आता है, इतना सा. ठीक है गाइस, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ये बलून समझ लो आप लोग. और जब हम इसको फुलाते हैं तो ये ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो इतना सब ये कुछ ज़्यादा खतरनाक बन गया. तो इतना सा बलून, तो जब इतने से बलून को हम लोग मतलब फुलाते हैं तो वो इतना बड़ा हो जाता है ना. तो सेम यही कहना चाह रहा है कि नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून. ठीक है, अब देखो हमने बलून, हमने मतलब ये बलून है, हमने इसमें हवा भरी, हवा भरने के बाद ये बलून हमारा इतना बड़ा बन गया. ठीक है, इतना बड़ा हमारा फूल गया. अब हम इसकी जो हवा निकालेंगे ये फिर से इतना हो जाएगा. गाइस स्टूडेंट्स पहली बता दो, ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है. तो जब हमने बलून फुलाया, बलून को जब हमने, ये बलून है, हमने इसके अंदर एयर भरी, इतना हो गया. फिर जब हमने इसकी एयर बाहर निकाल दी तो ये फिर इतना हो गया. तो अब देखो हमने रिवर्स कर दिया ना, ये एक थिंग है, इस थिंग में चेंज आके वो इतनी बड़ी हुई, फिर हमने इस चेंज को वापसी रिवर्स कर दिया, मतलब हवा निकाल दी तो ये इतना सा हो गया. ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी वन में यही था कि हमने अगर बलून फुलाया, बलून इतना सा होता है, भर के हमने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा मीन्स इसके अंदर हवा भर दी, और फिर जब हमने इसको इतना सा कर दिया तो इसमें चेंज आ गया है ना, हमने इसको रिवर्स कर दिया. तो खैर इस एक्टिविटी में यही था 6.1 एक्टिविटी वन में कि हम लोग बलून में चेंज कर सकते हैं. अब आगे और भी दे रखे एक्टिविटी टू में पेपर के बारे में और डो के बारे में. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम लोग यही फिनिश करते हैं. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी. एक्टिविटी टू हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.